औरत जो बेटी बनी तो हया का फरमान समझिए। आज आलमी यौम ख़वातीन है। तमाम नाज़रीन को कश्मीर लाइफ की जानिब से आलमी यौम ख़वातीन की मुबारकबाद। आज का दिन 28 फरवरी 1909 को शुरू हुई तहरीक की नुमाइंदगी करता है, जब औरतों ने अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद की और अपने मुतालबात को दुनिया के सामने रखा। माकूल तनख्वाह हो या काम के लिए मुनासिब अवकात, उसका नारा बुलंद किया। 8 मार्च 1913 से आज के दिन को ख़ास तौर से दुनिया भर में ख़वातीन की मुनफरिद शख्सियत का एहसास दिलाने के लिए मनाया जाता है। आज के दिन की मुनासिबत से सेमिनार, सिंपोजियम, कॉन्फ्रेंसों और जलसों का इनेकाद किया जा रहा है, और आज ऐसे ही एक सेमिनार के लिए हम पहुँचे हैं वुमेंस कॉलेज एमए रोड। तो नाज़रीन, आइए चलते हैं, करते हैं कुछ तलबा और असातिज़ा से बात और जानते हैं उनका क्या कहना है। नाज़रीन, जहाँ पर एक तरफ से यहाँ पर ऑडिटोरियम में ये वुमेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, दूसरी जानब इन्होंने यहाँ पर एग्जिबिशन रखा है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है और डिफरेंट स्टॉल्स यहाँ पर लगाए हैं। एक और स्टूडेंट हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शीबा है। शीबा, किस डिपार्टमेंट से हैं आप? मैं बॉटनी डिपार्टमेंट से हूँ। जी, आपने यहाँ पर एक स्टॉल आज रखा है जी, क्या मुद्दा मकसद है इसका? यही मकसद है कि हाँ, अपना बिजनेस, मेरा फैमिली बिजनेस है, ये हमें प्रमोट करें, और हम बहुत शुक्रगुजार हैं अपने कॉलेज के कि वो हमें प्लेटफॉर्म मैसर करते हैं जहाँ पे हम स्किल, बाकी सब चीज़ें हमें एनहेंस हो, जहाँ पे हमें पता चले कि क्या करते हैं। ये हमको सिर्फ पढ़ाई के लिए ही सपोर्ट नहीं करते, बाकी पढ़ाई के पर्पज़ के लिए हमें सपोर्ट करते कि आप करो अपना बिजनेस, बाकी सब यहाँ पर इवेंट्स हमेशा होते रहते हैं, और हम काफ़ी शुक्रगुजार हैं अपने कॉलेज के कि वो हमें ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पर हम बात कर सकें, जहाँ पर हम अपनी चीज़ें बेच सकें, बाकी सब कर सकें। औरत जो बीवी बनी तो सनम खुश अखलाक समझी गई, औरत जो माँ बनी तो पैकर बेगरज समझी गई। वही औरत अपने वजूद को समझने और समझाने के इंतहाई मुश्किल काम में आज तक गामजन है। आज का ये दिन उसी औरत के नाम है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मुस्कान नरगिस। मुस्कान, कहाँ से हैं आप? टेंगपुरा बाईपास। यहाँ पर किस डिपार्टमेंट में पढ़ती हैं? बीए आर्ट्स में। पहले आज के दिन के हवाले से बात करेंगे, क्या अहमियत रखता है आपके लिए? बिल्कुल, 8 मार्च ये इंटरनेशनल वुमेंस डे है और हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, तो इस दिन पे एक औरत को इनक्रेज किया जाता है, जो भी उसके स्ट्रगल्स होते हैं वो सामने लाती है और उसको एक बैक सपोर्ट दिया जाता है कि नहीं, औरत की भी एक पहचान है। सबसे पहले एक पेरेंट्स के लिए कि अपने बच्चों की, दोनों बच्चों की, लड़कियों की भी और लड़कियों की भी सही तरह से नशोनुमा करें, उनकी तरबियत करें, और हमारा एक फर्ज बनता है बहसीत उस्ताद के कि हम अपने स्टूडेंट्स का अच्छे से ख्याल रखें, उनकी तरबियत का खास ख्याल रखें, और हमारा फोकस होना चाहिए उनकी ऑलराउंड डेवलपमेंट पर, ताकि वो कल को समाज में सर उठा के रहे और ताकि वो समाज में एक अपना अहम रोल जो उनका है वो अदा कर सके। औरत माँ, बहन, बीवी, बेटी बनकर समाज में एक अहम किरदार अदा करती है। इस दिन पर कई जानने वाले अहद को अमली जामा पहनाने की काविश हर सतह पर करने की ज़रूरत है, क्योंकि बकौल अलामा इकबाल, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, उसी के साज से है जिंदगी का सोजे दरून। नाज़रीन, फ़िलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन मलिहा सोफ़ी के साथ मैं सबरीन अशरफ, कश्मीर लाइफ के लिए।